हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 4 का सेकंड नंबर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 हो जाता है जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके न्यूमरेटर में, और वही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है जब हम 8 को ऐड करते हैं उसके डेनोमिनेटर में। तो हमको फ्रैक्शन बताना है कि यहाँ कौन सा होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ न्यूमरेटर को x ले लेंगे और डेनोमिनेटर को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डेनोमिनेटर बी वाई। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय वाई। अब यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख लेंगे, हमारा फ्रैक्शन है x बाय वाई। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यूमरेटर में जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 1/3। तो हम इसको यहाँ से क्या लिख लेंगे, ये 3 डिवाइड में इक्वल टू के साइड आएगा तो x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको यहाँ से लिख लेंगे 3x-3 इक्वल टू y। फिर इसको दोबारा क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 3x, ये प्लस y इक्वल टू के साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस y इक्वल टू हो जाएगा ये 3। ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। दोबारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है जब हम 8 को ऐड करते हैं उसके डेनोमिनेटर में। तो हमारा फ्रैक्शन है x बाय वाई, तो उसके डेनोमिनेटर में जब 8 को ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो इसको हम आगे क्या लिख लेंगे, इसको यहाँ से लिख लेंगे 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, वाई प्लस 8। तो इसको फिर यहाँ से क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 4x, ये प्लस वाई इक्वल टू के साइड आएगा माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हमको इक्वेशन 2 मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या आया है, 3x-y = 3। फिर दूसरा इक्वेशन आया 4x-y = 8, 4x-y = 8। तो हमारा वाई वाई सेम है, ठीक है, ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। तो प्लस 3x-4x, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 3-8, तो ये हो जाएगा -5। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल होगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 5। अब हम इस x के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये 3x-y = 3, तो ये हो जाएगा 3 × x = कितना है, 5-y = 3। 5 × 3 जगह क्या हो जाएगा, 15-y = 3। तो ये यहाँ से इसको लिख सकते हैं -y = 3, ये प्लस 15 = के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -15। तो हम यहाँ से लिखेंगे -y = -12, माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 12। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन इक्वल टू था x बाय वाई। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 5, y इक्वल टू कितना आ गया, 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमारा क्वेश्चन 4 का सेकंड नंबर सॉल्व हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।